कौन सा देश के पासपोर्ट के अंदर चिप लगाया रहता है, पासपोर्ट के अंदर जो फोटो होता है उस फोटो खिंचवाने का टाइम, जरा सा हंसना से लेकर कैप या गुरखा क्यों पहनने सकती हो, आखिर में पासपोर्ट के अंदर राज क्या है, चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। पासपोर्ट बनाने का टाइम जब फोटो खींचने का बारी आता है तब एक निर्देश दिया जाता है, आप हंस नहीं सकती हो और अपने हेयर स्टाइल से थोड़ा सा भी चेहरे को ढकने की इजाजत नहीं है। देखिए, पहले तो ये सब कुछ मुमकिन था, लेकिन अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे के बाद सब कुछ बदल गया और बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा करने लगा। को बता दे, कुछ देशों के पासपोर्ट के अंदर छोटा सा चिप लगा रहता है, चिप में आपके संबंधित सारी जानकारी रहता है, जैसा कि आपका चेहरा में दो आंखों की दूरी और नाक का दूरी और होठों का साइज। गेट में जब आप एंट्री करते हैं तब गेट में लगी बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी से आपका चेहरा को स्कैन किया जाता है, अगर सही हुआ तो तभी आपका एंट्री होता है। बल्कि ऐसा टेक्नोलॉजी सब देशों में नहीं, कुछ देशों में इस्तेमाल किया जाता है। आपका पासपोर्ट है, कॉमेंट जरूर कीजिए। दुबई में अब आसमान की चांद को जमीन में लाने का प्लानिंग चल रहा है, यानी कि दुबई में दुबई की एक दुबई मून बनाने वाले हैं, जहाँ पे एक चांद की तरह दिखने वाला एक रिजोर्ट होगा और आप वहाँ पे जाकर चांद जैसा फील और मजा ले सकते हैं। इसको डिजाइन किया गया है कैनेडियन कंपनी मून वर्ल्ड रिजोर्ट ने। 200 मीटर ऊंचा, 600 मीटर सर्कमफेरेंस, एक गोल के आकार बिल्कुल मून की तरह दिखने वाला रेप्लिका होगा और इसके अंदर होटल, बार, इवेंट सेक्शन, कैसीनो, स्विमिंग पूल, स्पा, नाइट क्लब, रोबोट टैक्सी और स्पेस थीम अट्रैक्शन भी होगा। लोगों के लिए रहने की अपार्टमेंट भी होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज यहाँ पर, लूना सर्फ सिमुलेशन, यानी कि यहाँ पर जाने के बाद आप चांद जैसा फील कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्राइवेट रेजिडेंस बनाया जाएगा जिसका नाम होगा स्काई विला, और यहाँ पर हर रूम में खिड़कियां तो होगी लेकिन डिजिटल होगी, जो कि अपने हिसाब से डिजिटली स्पेस का नजारा देख सकते हैं। और तो और बताया जा रहा है इसको बनाने में 4 साल के वक्त लगेगा। टोटल कॉस्ट इसको बनाने में लगेगा लगभग $5 बिलियन, यानी कि इंडियन करेंसी की बात करें तो लगभग 40,000 करोड़। क्या आप इस जगह जाना चाहते हैं, कमेंट करके। आपने हेलीकॉप्टर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या किसी हेलीकॉप्टर को पानी का बीचों के बीच में लैंड करते हुए देखे हैं? आप बोलिए, भाई पानी के बीच में हेलीकॉप्टर कैसे लैंड होगा, हेलीकॉप्टर डुबाने की प्लानिंग है क्या? लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर बोइंग CH-47 चिनूक दूसरे सेनाओं का रक्षा कर रहा है। ये वायरल वीडियो दूसरे देशों का सेना का है, लेकिन हमारे देश में भी ऐसे 15 चिनूक हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रहा है कुछ सालों से, जो कि चीन और लद्दाख बॉर्डर में तैनात है और मुसीबत आने पर ऐसा ही कारनामा दिखाएगा। चलिए इस दो ब्लेड वाला हेलीकॉप्टर की खासियत जानते हैं। ये हेलीकॉप्टर किसी भी सिचुएशन में कहीं पर भी लैंड कर सकता है। इनका स्पीड की बात करें तो 315 किलोमीटर प्रति घंटा और 33 से 55 जवानों को ले जाने में सक्षम है और 11,000 किलोग्राम इनका खुद का वजन है और इसके लंबाई 58 फीट है और 12.5 फीट चौड़ा और जमीन से 18.11 फीट ऊंचा है और इसके रेंज की बात किया जाए तो 740 है। इसको बनाया है एक अमेरिकन कंपनी। दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिए और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो जरूर कीजिए।